2024 की हो गई मुहूर्त है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। चंद्रयान है देश का योद्धा, प्रणाम करे हम दंडवत है। जनता मामा पर जा बैठा, अपना देश ये भारत है। दरोगा जी हो, और 4 दिन से पिया बाबा न पाता। हमारे साथ फ्रेम में ये जो चेहरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तो नहीं, एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग रखने वाले शिवेश द्विवेदी हमारे साथ है। यह एक मंदिर है और इसी मंदिर में बैठ करके सुबह शाम रियाज करते हैं, गीत गाते हैं, इस उम्मीद के साथ ये एक ना एक दिन हमारी आवाज को ये ऑडियंस पसंद करेगी। हम बात करेंगे, ये चंद्रयान 3 पे गाना गाते हैं, ये मोदी जी पे गाना गाते हैं, ये भ्रष्टाचार पे गीत गाते हैं, बड़ी मजेदार गीत इनका लगता है, वही सुन करके हम इनसे मिलने आए हैं। आज आपसे भी मुलाकात करवाएंगे। सुनने में आता है आप प्रधानमंत्री के ऊपर गीत गाते हैं, चंद्रयान 3 पे गीत गाते हैं, कितनी सच्चाई है? जी भैया बिल्कुल सही है, मैं मोदी जी पे गाना गाता हूँ और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में रहे तो हमारा देश बहुत विकास करेगा। और जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा देश इतना विकास कर चुका है और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये गर्व की बात है हमारे लिए। और यही उम्मीद है कि 2024 में भी मोदी जी का ही झंडा लहराए, कमल ही खिले। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आप एक गाना लिखे हैं जो खूब वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। आज मैं यहाँ माता रानी के मंदिर पे बैठा हूँ और मोदी जी के बारे में 2 शब्द जरूर कहूंगा और माता रानी से यही विनती है कि हमारे मोदी जी को फिर 2024 में लाएं ताकि मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा सके। दो हजार चौबीस की हो गई मुहूर्त है, 2024 की हो गई मुहूर्त है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। मन उनका साफ है, कर रहे इंसाफ है, मन उनका साफ है, कर रहे इंसाफ है, नियत में खोट नहीं हो रहा विकास है, भारत को आंख दिखाए अब किसकी जरूरत है, भारत को आंख दिखाए अब किसकी जरूरत है, बस 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। ठीक है, चंद्रयान 3 पे वो कौन से गीत हैं जो खूब वायरल हो रहे हैं आपके, हमारे दर्शकों के लिए वो गीत हो जाए? एक नया इतिहास बन गया ये, अपने देश की ताकत है, चंदा मामा पर जा बैठा, अपना देश ये भारत है, चंदा मामा पर जा बैठा, अपना देश ये भारत है, बढ़ गए जो कदम हमारे अब ना ये रुकने वाले, चंदा मामा को देखेंगे कहते हैं इंडिया वाले,
बढ़ गए जो कदम हमारे, अब ना ये रुकने वाले। चंदा मामा को देखेंगे कहते हैं इंडिया वाले। चंद्रयान है देश का योद्धा, प्रणाम करे हम दंडवत है। चंदा मामा पर जा बैठा अपना देश ये भारत है। आप रियाज यही करते हैं इसी मंदिर में? जी भैया, मैं यहीं पे रियाज करता हूँ शुरू से, और यहाँ शांत माहौल लगता है, यहीं पे आराम से अपना रियाज करता हूँ। कितने दिनों से गाते हैं आप? जी भैया, मैं जब 5 साल का था तभी से गाता हूँ, और मतलब जब से इस लाइन में आया मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में लगता है। भैया, आप दूसरे के लिखे हुए गीत को गाते हैं या खुद लिखते हैं और उसी को गीत गाते हैं? नहीं, दूसरों का भी सॉन्ग गाता हूँ, मतलब अपना भी जब बैठा रहता हूँ खाली समय तो उसी में अपना लिखता हूँ। हमारे जो बड़े भैया हैं, हमसे जो बड़े हैं, जिनका नाम तरुण द्विवेदी है, वो लिखते हैं, मतलब वो हम मिलके अपना बनाते हैं, उसी में गाते हैं, अपना भी लिखा गाते हैं, मतलब दूसरों का गाया भी गाते हैं। यानी आपके भाई और आप दोनों लोग मिल करके लिखते हैं और खुद ही गाते हैं? जी भैया। ठीक, कोई पवन सिंह का गीत जो दर्शकों को बहुत पसंद आया हो वो गीत गा करके जरा सुना। देखिए भैया, जो पवन सिंह है उनका हर सॉन्ग लोगों को पसंद आता है, तभी तो आज वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं और लोग उनको पावर स्टार बोलते हैं। माँ सरस्वती का साक्षात कृपा है उनके ऊपर, उनका हर एक सॉन्ग अच्छा लगता है। लेकिन उनका एक सॉन्ग है जो बहुत पहले आया था भोजपुरी का, मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अरे सोची सोची जिया हमार, अरे काहे घबराता दरोगा जी हो, दरोगा जी हो। अरे 4 दिन से पिया बाबा न पाता, दरोगा जी हो। और 4 दिन से पिया बाबा न पाता, और कि सहारा ने खोजानी। अरे बजरिया बजरिया, अरे कतही बलाम जीना, अरे आवेल नजरिया। अरे लगत कि सैया हमार, अरे गईले कलकत्ता दरोगा जी हो। अरे 4 दिन से पिया बाबा न पाता, दरोगा जी हो। कि 4 दिन से पिया बाबा न पाता। तो ये शिवेश द्विवेदी थे जो एक बहुत ही छोटे से परिवार, बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग रखते हैं। ये महाकाली माता जी का मंदिर है, इसी मंदिर को अपना घर समझते हैं, इसी मंदिर को अपना स्टूडियो समझते हैं, इसी मंदिर में रियाज करते हैं, इसी मंदिर से गीत गाते हैं। ऐसे छोटे से गांव से, छोटे से परिवार से निकल करके नाम कमा रहे ऐसे सिंगरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।